नाउ अब आते हैं हम एग्जाम्पल नेक्स्ट जो कि है नंबर 8। ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको बताया गया है यहाँ पर एक रॉड दी हुई है और उसके रॉड के कारण इस एम नॉट पर फोर्स निकालना है, दैट मीन फोर्स बिटवीन रॉड एंड एम नॉट। चलिए यहाँ रॉड की डायमेंशन आपको दी हुई है केवल लेंथ एल, तो इसको बहुत थिन रॉड मानना है, उसका मास एम दिया हुआ है, तो इस सब में आपको आंसर छोड़ना भी है, रिलीव करना है। अब बता कर रहे हैं हम एक बहुत छोटा सा पॉइंट मास अज्यूम कर रहे हैं, तो लोग पूछते हैं जरूरत क्या है, डायरेक्ट हमें बता दो। एक्चुअली में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो हमारा फॉर्मुला है gm1m2/r² वो पॉइंट मासेस के लिए, इसमें एक तो पॉइंट मास है पर दूसरा पॉइंट मास नहीं है, तो हमने क्या करा इस रॉड के अंदर किसी भी वेरिएबल लेंथ पर एक छोटा सा पॉइंट मास अज्यूम कर लिया, इसका हमने नाम दिया dm और लेंथ भी उसकी dx। एक काम करते हैं इस m नॉट से इसकी डिस्टेंस x अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो अब हम इस पॉइंट मास और इस पॉइंट मास के बीच में फोर्स निकालते हैं जिसको हम स्मॉल फोर्स भी बोल सकते हैं dF। इस स्मॉल फोर्स की वैल्यू होगी, अब हम पॉइंट मास वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं g फर्स्ट मास एंड सेकंड मास, फर्स्ट मास आपका dm हो गया, सेकंड मास आपका m नॉट हो गया, ओके, अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने वेरिएबल x मान रखा है x स्क्वायर। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये dm इधर भी हो सकता है तो x बढ़ जाएगा, ये dm पास भी हो सकता है तो x कम हो जाएगा, ओके। नाउ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉड है ये नॉर्मली यूनिफॉर्म देता है आपको, जब भी यूनिफॉर्म रॉड देगा तो आप बोल सकते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ, आई रिपीट मास पर यूनिट लेंथ विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दैट मीन यदि आपने कोई एलिमेंट लिया स्मॉल एलिमेंट जिसका मास dm है और लेंथ dx है, तो उनका जो रेशियो आएगा वो बिल्कुल सेम होगा यदि आप पूरा मास लेते हो पूरी रॉड का और पूरी रॉड की लेंथ लेते हो, दैट मीन मास कंप्लीट एंड लेंथ कंप्लीट, तो इनका रेशियो और स्मॉल एलिमेंट की मास और लेंथ का रेशियो सेम आएगा। नाउ अब हम मास दैट मीन जो कि dm है, वेरिएबल है, स्मॉल मास है, इस dm मास को हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ dx रिप्रेजेंट करने के लिए इस पूरी टर्म का हेल्प लेते हुए dm की वैल्यू यहां पुट करते हैं। देखिए यहां पर dm कितना आ रहा है, m by l into dx, ये देखिए m by l into dx, इसकी dm की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्मॉल फोर्स है वो केवल डिपेंडेंट हो गया है x पर, इसलिए हमने dm की वैल्यू को रिप्लेस किया था। देखिए कैपिटल g कॉन्स्टेंट है, कैपिटल मास आपको दिया हुआ था कैपिटल m, वो भी कॉन्स्टेंट है, कैपिटल लेंथ l वो भी कॉन्स्टेंट है, अब बचा m नॉट, वो भी आपको फिक्स कर रखा है कॉन्स्टेंट, अब हो गया बराबर x और यहां अंदर आ गया dx। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, दैट मीन ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट मास इस एंड से उस एंड तक हम बहुत सारे अज्यूम कर सकते हैं, तो उन सभी पॉइंट मासेस के कारण जो कि स्मॉल स्मॉल फोर्सेस होंगे उनको ऐड कर देते हैं। सिंस सारे पॉइंट मासेस एम नॉट के राइट हैंड साइड में है, तो सभी पॉइंट मासेस इस एम नॉट को इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए हम डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं। वेक्टर्स आप सब जानते हैं, यदि सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उनके मैग्नीट्यूड को ही ऐड कर दिया जाए डायरेक्टली। चलिए अब एक सिंपल सा मैग्नीट्यूड हमने बनाया था उसका हम इंटीग्रेट करते हैं। डीएफ की वैल्यू, ये वैल्यू हमने था कि यहां रखी, इसमें से जो भी कॉन्स्टेंट थे जो मैंने अभी आपको बताए थे उन सबको बाहर निकाल दिया, जैसे कि जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम नॉट, कैपिटल एल, और जो वेरिएबल था दैट इज एक्स, और हमको डीएफ वाली टर्म भी अंदर रखनी है। इट मींस आपको 1/x² का इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये लिमिट कहां से आई, ये देखिए इस स्मॉल एलिमेंट को आप कितना पास ला सकते हो इस एम नॉट के, क्योंकि डिस्टेंस वेरिएबल थी ना, तो आप dm को यहां बना सकते हो। जब आप dm को इनिशियली यहां बनाओगे तो उस dm और इस एम नॉट के बीच में डिस्टेंस होगी a, तो ये होगी लोअर लिमिट। अब इसी dm को कितना दूर ले सकते हो, दैट मीन x की मैक्सिमम लिमिट कितना हो सकता है, तो इस dm को उस एंड में बना सकते हो। जब उस एंड में बनाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस l, ये कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये x की अपर लिमिट हो गई। दैट मीन आपको इंटीग्रेट करना है स्मॉल a टू a प्लस l, स्मॉल a टू a प्लस l। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेंगे,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के रूल से माइनस वन अपॉन एक्स होता है, लिमिट आपने रखनी ही है। एक काम कीजिए, इस माइनस को आप ब्रैकेट से पहले ही बाहर निकाल लीजिए। अब अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखा पहले तो x की जगह a प्लस एल रखा, माइनस लोअर लिमिट, एज यू नो लोअर लिमिट रखने से पहले बीच में माइनस आता है, ये इंटीग्रेशन का रूल है। लोअर लिमिट रखने के लिए हमने k रखा तो 1 अपॉन a हो गया। ध्यान दीजिए, ये वाला माइनस हम पहले बाहर निकाल चुके हैं और ये माइनस इंटीग्रेशन के रूल में आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो a और a प्लस एल नीचे आ गया, a इधर गया, a प्लस एल इधर गया। माइनस लेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा माइनस एल, एल से एल कट जाएगा, माइनस माइनस रहेगा प्लस। ये आपका आंसर आ गया, जी एम एम नॉट अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। इसकी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी आप कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि जब कभी आपको रॉड दी जाए तो आप ये ध्यान रखें कि जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ऐसी कोई टर्म आती है तो आर का मतलब दो लेंथ नीचे आती है। जब दो लेंथ नीचे आती है तो उनमें से ध्यान रख सकते हैं कि एक तो कौन सी लेंथ लेनी है आपको, जो कि लोअर एंड या यू कैन से पांच वाले एंड से कितनी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नीचे आएगी, और एक जो फर्दर बहुत दूर वाली जो एंड है उस एंड से इस पॉइंट मास का डिस्टेंस कितना है, जो कि था आपका ए प्लस एल, वो लेंथ नीचे आएगी। तो इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं ना। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9 पर। ये वाला एग्जाम्पल तो था कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, अब मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब इसका मीन से हुआ कि आपको जो अब पॉइंट मासेस दिए जाएंगे, बहुत सारे दिए जाएंगे, वो अलग अलग जगह पड़े हुए होंगे। यहां पर बहुत सारे पॉइंट मास का एक कंटिन्यूस ग्रुप था तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन। और अब आ रहा है पॉइंट मास वाले, बहुत सारे पॉइंट मास वाले डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फोर्स बिटवीन, और यू कैन से यहां एक सिंपल टर्म लिख देते हैं, फोर्स ऑन एम नॉट, राइट। एम नॉट पर आपको फोर्स निकालना है। अब यहां पर एम नॉट क्या है, एक काम करते हैं इस एम नॉट की वैल्यू को हम एन ही लिख देते हैं क्योंकि अब सारे ही एक ही तरह के मासेस होंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए आप एक मास रखा हुआ है ओरिजिन पर, दैट इज एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। पहला मास के बाद दूसरा मास रखा हुआ है x इक्वल टू 1 पर, अगला मास रखा हुआ है x इक्वल टू 2 पर, वो भी सेम मास है, फिर रखा हुआ है x इक्वल टू 4 पर, अगेन m मास, और अगला मास रखा हुआ है x इक्वल टू 8 पर m, और ऐसे ये कंटिन्यूस जा रहा है इंफिनिटी तक। दैट मीन बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं और हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड फोर्स ऑन एम एट ओरिजिन। ओरिजिन पर जो मास रखा हुआ है उस पर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। एज यू नो ये सारे मासेस इस मास के राइट हैंड साइड पर रखे हुए हैं, सारे मासेस इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए ये बहुत सारे मासेस हैं तो डरना नहीं है हमको, हमको स्टार्ट करना है हमारे नॉर्मल फॉर्मूले से। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं एफ रिजल्टेंट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, पहला फोर्स है, फिर दूसरा फोर्स है, एंड सो ऑन, ऐसे कितने फोर्सेस हैं, इन्फिनिटी। और यू कैन से ये पैटर्न आप ध्यान रखें, पहला मास रखा हुआ है 1 पर, फिर दूसरा 2 पर, फिर 4 पर, फिर 8 पर, एंड सो ऑन, हर बार 2-2 times आप ऐसा कर सकते हो, पर सारे मासेस सेम है। नाउ अब बातें करते हैं कि इतने सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाले कैसे। चलिए देखते हैं, आगे कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक तो बनेगी बनेगी, तो डरना नहीं है आपको। स्टार्ट करते हैं हम पहले मास से, पहले फोर्स से। ये वाला मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पहले तो अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जी एम वन एम टू दोनों मास से में तो जी एम स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस देखिए कितनी है यहां पर 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया, राइट। ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये डायरेक्शन है आई कैप, ओके। नाउ सेकंड पर आते हैं, प्लस सेकंड मास जो है वो इस मास से 2 डिस्टेंस पर है, 2 मतलब ट्वाइस डिस्टेंस हो गई। अब डिस्टेंस ट्वाइस हो गई तो आप ये लीजिए जी, पहला मास एम, दूसरा मास भी सेम है तो अगेन जी एम स्क्वायर आएगा, अपॉन डिस्टेंस कितनी आ रही है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4,
तो टू का स्क्वायर हो गया। ये मास भी इस मास को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये अगेन आई कैप आएगा। मैं यही तो बोल रहा था सारे के सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो आप डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते हो। फिर भी प्लस जगह नहीं है तो मैं यहां लिखता हूं ओके। तीसरा मास, ये मास भी इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों मास सेम है अगेन तो जीएम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस से यहां से आप तक फोर का स्क्वायर हो गया 16 राइट, अगेन आई कैप राइट एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी। लास्ट टाइम मैंने नहीं लिखी, आप देख सकते हैं उसको, अभी प्रोसेस चलती जाएगी। चलिए इसमें सम कॉमन लेते हैं, जी एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साथ में आ जाएगा कॉमन आई कैप, उसको मैं लास्ट लिखूंगा। तो जब जी एम स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां बचेगा ओनली वन, वन अपॉन वन का स्क्वायर वन, यहां बचेगा वन अपॉन टू का स्क्वायर वन बाय फोर, यहां बचेगा वन अपॉन फोर का स्क्वायर जो कि 16 लिख चुका हूं पहले 1/16 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, लास्ट में डायरेक्शन आई कैप राइट। नाउ अब ध्यान से देखिए, ये आपकी जो प्रोसेस है इसको या हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने याद रखी होगी, इसमें नेक्स्ट टर्म पुरानी टर्म का एक पर्टिकुलर टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। ध्यान से देखिए, यदि मैं 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो आता है 1/4। अगेन नेक्स्ट टर्म जो होगी वो इसका भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यदि मैं इसी नंबर को अगेन 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बनता है 1/16 राइट। ऐसे यदि आपको अगली टर्म चाहिए तो आप इस टर्म को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन हर नेक्स्ट टर्म पुरानी टर्म का 1/4 मल्टीप्लीकेशन है। इस तरह की सीरीज को एड कर सकते हैं आप, इंफिनाइट सीरीज का एडिशन है। तो ये हो गया जीएम स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है आपको मालूम होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस दैट फैक्टर वाली टर्म आएगी यहां पर जो कि हर बार आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। हर बार हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बिल्कुल सही 1/4। ध्यान से एक बार और रिपीट करता हूं, यहां वन जो है वो फर्स्ट टर्म है दैट मीन वन, और ये तो वन हमेशा आता ही है, तो इनिशियल टर्म अपॉन 1 माइनस दैट मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहां पर 1/4 है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस 1/4 जाएगा 3/4, 3/4 का रिवर्स कर देना तो आंसर जाएगा, डैशन जरूर लगा दीजिए तो आंसर आएगा 4/3 जी एम स्क्वायर आई कैप। 4/3 नंबर आ गया और जी एम स्क्वायर चल ही रहा है, डैशन के लिए आई कैप। तो ये फोर्स आ गया इस ओरिजिन पर बाय द ऑल द मासेस, चाहे वो इंफिनिटी तक ही क्यों ना हो राइट। थैंक यू।